नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूं और मैंने ये सोचा था कि मार्च स्टार्टिंग में दोबारा होगा फॉर नेक्स्ट ईयर। और बहुत फोन आते रहते हैं नीट एग्जाम को लेकर, नीट एग्जाम की क्वेरीज को लेके, डाउट्स को लेके। तो देखिए, कुछ बातें जो गवर्नमेंट ने बोल दी हैं और कुछ बातें हैं जो मेरी अपनी अजम्पशंस हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, कोई पैटर्न नहीं चेंज होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने आज क्लियर कर दिया। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो वही 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, 3 आवर का टाइम, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। पेपर भी ऑफलाइन ही होगा और सब कुछ नॉर्मल ही होगा, एक बार ही होगा पेपर। हाँ, जहाँ तक बात है पोस्टपोनमेंट की, मेरी जो गट फील कह रही है कि चूंकि बोर्ड के एग्जाम्स मई में चल रहे हैं, तो सर और संडे को ये कराएंगे, तो 13 जून, मतलब अगर मुझे अपनी एग्जामिनेशन देनी है तो 13 जून को एग्जाम हो जाएगा। जनरली जो एग्जाम मई के फर्स्ट संडे में होना चाहिए था, सो इससे ज्यादा इस बार पोस्टपोन या डिले नहीं होगा। ऑफ कोर्स तब तक काफी हद तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो चुका होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल मई 3 महीने का टाइम है। और जिस तरह से अब ओपन पब्लिकली ओपन कर ही दिया गया है, तो फिर बाद में ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रायोरिटी भी ले सकते हैं। और जो लास्ट ईयर में देखिए करवाई दिया गया था सेंटर्स को बढ़ा के और सोशल डिस्टेंसिंग देकर, तो वो सब होने वाला है। तो मेरी अपील है नीट के स्टूडेंट से कि वो टेंशन मत लीजिए। और मेरे को हैरानी होती है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत फोन आते हैं सर पेपर कब होगा। मैंने कहा आप लोग तैयारी करो इस हिसाब से कि जैसे लास्ट ईयर मई में होता था, अपना कोर्स फिनिश करके रखिए, सब कुछ फिनिश करके और तैयारी करके रखिए। अब पेपर एक बार हो या दो बार हो, पेपर जून में हो या जुलाई में हो, उससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा। तो बाकी पेपर तो होना ही होना है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को लास्ट ईयर से फॉलो करते हैं, मैं हमेशा ही कहता था कि गवर्नमेंट तो पेपर करवाएगी ही, वरना इंडिया में कुछ ही प्रिविलेज सीट्स और प्रिविलेज कॉलेजेस हैं जिसमें सारी MBBS एजुकेशन आती है, या IIT वगैरह हो गए या नेशनल लॉ स्कूल हो गए, और इनका एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो एग्जाम तो होना ही है, और जहाँ तक मेरी समझ है कि लास्ट ईयर की तरह सेप्टेम्बर तक नहीं खींचेगा। अल्लाह सकते, देखिए कुछ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाए आने वाले 3 महीने में, तो प्लीज डू नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन जो आज के हालात हैं, जिस तरह से इस समय लाइफ चल रही है, हाँ तो मई में तो खैर नहीं होगा, लेकिन आप रफली मान के चलिए, मतलब मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 13 जून की रहेगी कि 13 जून को हो जाना चाहिए, और जून के अंदर अंदर हर हालत हो जाएगा। तो वही 13 जून, नहीं तो 20, नहीं तो 27 को हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 13 जून में होगा। बिकॉज नेक्स्ट ईयर एवरी थिंग विल बी बैक, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस है वो वही सितंबर अक्टूबर में हो जानी चाहिए, जो नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ में होती थी। तो बेस्ट विशेस, आप तैयारी करते रहिए, पैटर्न वगैरह सब सेम है, सिलेबस वगैरह सब सेम रहेगा। तो कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर MBBS सीट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।